सूरज अपनी भाभी को लेकर के शादी में दिल्ली जा रहा होता है, क्योंकि भाई की ससुराल शादी थी। जो सूरज का भाई होता है वो सरकारी सर्विस करता है, उसे छुट्टी नहीं मिलती। तो सूरज का भाई होता है अनुज, वो फोन करता है कि अपनी भाभी को लेकर आप ससुराल चले जाओ और शादी समारोह में शामिल होना। तो सूरज जो होता है अपनी भाभी को लेकर के और जाने के लिए ट्रेन का इंतजार करता है कि ट्रेन आएगी, उससे हमें दिल्ली जाना है। तो दो टिकट लेता है, टिकट लेने के बाद और ट्रेन थोड़ी देर बाद आती है, आने के बाद अपनी भाभी को लेकर उस कोच में घुस जाता है। जब डब्बे के अंदर घुस जाता है, ट्रेन चलने लगती है, तो सूरज देखता है कि कहीं ऐसी जगह मिल जाए जहां हम भाभी को लेकर बैठ जाए। हम खड़े रहें तो कोई बात नहीं, लेकिन भाभी हमारी अवश्य बैठनी चाहिए। इसके बाद और बढ़ता है, बढ़ने के बाद क्या देखता है कि एक महिला बैठी हुई है, बहुत थोड़ी जगह है दो सवारी लायक। वो महिला है, खिड़की की तरफ अपनी नजर किए हुए है और गाड़ी चल रही है। वो महिला दुबली है, कुछ संकोच में है। तो वो कहता है सूरज प्लीज जरा थोड़ी जगह मिलेगी। जब इतनी कहता है, जैसे ही वो महिला देखती है तो सूरज एकदम अचंभे में हो जाता है, क्योंकि जो महिला थी लगभग 6 साल पहले जिस पत्नी ने सूरज से जरा सी बात पर डिवोर्स ले लिया था, वो सूरज की ही पत्नी होती है। नमस्कार प्रणाम, मैं हूं प्रेम यादव। ये कहानी बताने जा रहा हूं, ये दिल्ली का सत्य वाकया है जो सूरज अपनी भाभी को लेकर जाता है। दोस्तों, जैसे सूरज ने देखा ये तो मेरी पत्नी है, जब डिवोर्स हुआ था तब ये खूबसूरत थी और अब इसकी दशा क्या है, कपड़े भी कम पैसे वाले पहने हैं। जैसे ही सूरज को उसकी पत्नी ने देखा तो अपनी नजर नीचे कर ली। नजर के बाद सूरज कहता है क्या हम बैठ सकते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, बोले बैठ जाइए। बैठने का इशारा करती है तो सूरज बैठ जाता है, सूरज की बगल में भाभी बैठती है। और उसके बाद में सूरज उससे पूछता है क्या आप कहीं जा रही हो, क्या बात है, चेहरा पर उदासी क्यों है, बात क्या है। तो उसकी पत्नी जो ममता होती है ना में सर हिला देती है, कोई परेशानी नहीं है। बोले परेशानी नहीं है तो आपका शरीर ये कैसे हो गया है, क्या बात है, कोई समस्या है, कहाँ जा रही हो, आपका तो परिवार अच्छा खासा था, आप ठीक ठाक थी, लेकिन आपकी ये दशा क्या है, क्या आपको खाना नहीं मिलता या कोई परेशानी है, आप जा कहाँ रही हो, कौन है तुम्हारे साथ। तो ममता कहती है मेरे साथ कोई नहीं है। कोई नहीं है तो आप कहाँ जा रही हो, तो कहती है कि मैं दिल्ली जा रही हूँ। पूछती है आप कहाँ जा रहे हैं, तुम तो जानती हो ये हमारी भाभी हैं, भाभी हमारी नेक हैं और भाभी की जो बहन की शादी है, भाई है नहीं सर्विस में है, तो मैं भाभी को लेकर के और भाई की ससुराल जा रहा हूँ, भाभी के मैके वहाँ शादी है, शादी में शामिल होने जा रहा हूँ। लेकिन एक बात हम पूछना चाहते हैं ममता, ये बताइए कि जब हमारा आपका डिवोर्स हुआ था तब आप खूब तंदुरुस्त थी और आप ठीक ठाक थी, कपड़े भी अच्छे पहनती थी, लेकिन आपको चिंता क्या है, बात क्या है, आपका शरीर सूख करके जर्जर हो चुका है। तो ममता रोने लगती है, कहती है बताने के लिए मेरे पास है क्या, जो आपने पैसा दिया था लगभग 7 लाख रुपए दिए थे, मेरी भाई और भाभी इतने नालायक हैं, क्योंकि माँ मेरी गुजर चुकी है, पिता हैं उन्हें दिखाई नहीं देता, मेरा भाई और भाभी ने जो भी पैसा मिला था सब बर्बाद कर दिया है, मुझे अब खाने के लाले पड़े हैं, अब मैं क्या ज़्यादा बात कर सकती हूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। तो सूरज पूछता है क्या अभी तक आपने कोई शादी नहीं की है, क्या ऐसे ही हो। तो वो ना में सर हिला देती है कि शादी अभी नहीं की। उसके बाद वो सवाल करती है क्या आपने विवाह कर लिया। तो सूरज कहता है कि शादी का तो प्लान ही बदल दिया, मेरे भैया भाभी मेरे ऐसे हैं एक देवता के समान हैं, मेरी माँ बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी माँ तुम्हारी हमेशा याद करती रहती है, लेकिन तुम जो हो बिल्कुल ही भुला दी, मैंने कोई आपसे बात तो नहीं कही थी। उन दोनों में बातें शुरू हो जाती हैं। उसकी भाभी जो होती है कहती है आप अपनी बातें कर लो, कोई बात नहीं है। तो ममता कहती है कि आपने भी बहुत गुस्सा किया था, आप शराब पी लेते थे, मैंने बार बार मना किया
तुमने एक दो बार एक लड़की का फोटो दिखाया, उससे अफेयर आपका था, बात करते थे, लेकिन मैंने बहुत मना किया लेकिन आप नहीं माने थे। मेरे गर्भ था, आपने मेरे पेट में लात मारी थी, मेरा गर्भपात हो गया, उसी दिन से मैं तुमसे टूट चुकी थी। सूरज कहता है कि बातें तो बढ़ती रही, मैंने अनजाने में आपसे कुछ भी कहा या कुछ भी करता रहा, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। अब तो मैं एक ऐसा हो गया हूं, मुझे किसी से मतलब नहीं है, ना ही किसी को गाली देता हूं, ना ही किसी से कोई बात करता हूं, ना ही किसी से कोई कैसी भी कहा सुनी करता हूं, ना ही मैं शराब पीता हूं, केवल भैया भाभी माता पिता का आज्ञा का पालन करता हूं। भैया भाभी के चरणों में अपना सब कुछ न्यौछावर करके उनका काम करता हूं, मेरा भैया भाभी देवता के समान है। और आपने मुझे छोड़ दिया, ठुकराया, चलो ठीक है अगर मुझसे गलती हो गई तो आप उस समय कहती, लेकिन अब आपको कैसा लग रहा है, आपको कैसी फीलिंग हो रही है? तो ममता रोने लगती है कि बस अब मत कहो, क्योंकि जो लड़की अपना घर बिगाड़ लेती है, पति की बात नहीं मानती, पति से डिवोर्स ले लेती है, उसकी बहुत बड़ी परेशानी होती है जिंदगी में, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा होता है। बातें करते करते जब आगे बढ़ जाते हैं तो वहां क्या देखते हैं कि दिल्ली रेलवे स्टेशन आने वाला होता है। तो जो सूरज होता है वो कहता है कि आपको कहाँ जाना है? बोले हमें तो दूसरी जगह जाना है, और बोले हम अपने यहाँ जा रहे हैं। बोले कितने दिन शादी में लगेंगे? ममता कहती है, बोले लगभग 4-5 रोज तो लग ही जाएंगे। बोले आपको? बोले वो भी मुझे भी लग सकते हैं दोस्तों, लेकिन ये नहीं मालूम था कि ये दोनों लोग एक ही जगह शादी में जा रहे हैं। तो एक ही ऑटो में बैठते हैं, लेकिन ममता अपना किराया निकाल के जब ऑटो वाले को देती है तो सूरज मना कर देता है, नहीं किराया तो मैं दे दूंगा। किराया सूरज चुकाता है। सूरज किराया चुकाने के बाद और वो शादी समारोह में अपनी भाभी के साथ और वो पहुंचता है और ममता भी जाती है। ममता भी वही उसी शादी में शामिल होने आई थी, क्योंकि उसकी सहेली थी, उसका रिलेशन था उसका भी। तो दोस्तों उसके बाद में होता क्या है, कहानी में करवट कैसे बदलता है, जब वहां काम आगे बढ़ता है, बढ़ने के बाद जो 6 साल तक बिछड़े हुए थे, अब सूरज अपनी पत्नी को देखता है तो उदास हो जाता है, क्योंकि वो दुबली पतली हो चुकी थी। और ममता जब पति की ओर देखती है तो उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। मेहंदी वाला आता है तो मेहंदी रखी जाती है, ममता के हाथ पर भी रखी जाती है, उसकी भाभी के हाथ पर रखी जाती है। ममता कहती है, सूरज अच्छा अवसर है, मेहंदी आप भी रचवा लीजिए। बोले मेहंदी का होगा क्या, जब शादी हुई थी तब मेहंदी रखी गई थी। लेकिन ममता के कहने से सूरज मेहंदी रखवा लेता है। रखने के बाद सूरज कहता है, ममता आपके दिल में क्या चल रहा है क्या नहीं? 2-3 जब दिल रुकते हैं तो उनमें सारी बातें होने लगती हैं। तो एक दिन ममता सूरज को अकेले में बैठ करके कहती है, सूरज जो हमसे भूल हुई, मैंने बहुत कुछ आपके पीछे समझा नहीं, मैंने बहुत कुछ कहा, मैंने तुमसे भी अनबन की और मैंने डिवोर्स ले लिया, मैं बर्बाद हो चुकी हूँ, अब क्या करना है, मेरी जिंदगी कैसे आपके हवाले है, आप कैसे मेरी जिंदगी को काट सकते हैं? सूरज कहता है कि हमारी भाभी जो करेंगी, भाभी के मध्यस्थ जो बात होगी, मैं भैया भाभी को छोड़कर कुछ कर नहीं सकता। तो सूरज अपनी भाभी को बुला लेता है और जो ममता होती है अपनी जेठानी के पैर पकड़ लेती है, कहती है मुझे माफ करना, मुझसे भूल हो गई, अब ऐसा नहीं होगा, मैं अपने सास ससुर और जेठ जेठानी की सेवा करना चाहती हूँ, पति की सेवा करना चाहती हूँ, अगर हो सके तो मुझे अपना लीजिए। तो वहाँ काफी रिश्तेदार होते हैं, सब इकट्ठे हो जाते हैं। जब एक दूसरे की बात सुनते हैं तो दोस्तों शादी तो लड़की की होनी थी, लेकिन जब बारात आती है तो उसी मंडप पर उन दोनों को बुलाया जाता है कि सूरज और ममता को। सूरज और ममता को जब बुलाया जाता है, बुलाने के बाद एक एक जयमाला दोनों के हाथ में दी जाती है और वो दोनों कसम खाते हैं कि आज से ऐसा कभी नहीं होगा, जो हो गया। तो ममता सूरज के गले में जयमाला डालती है, सूरज ममता के गले में जयमाला डालते हैं और दोनों प्यार के बंधन में पुनः दोबारा शादी रचाते हैं। शादी रचाने के बाद जब भैया की साली की शादी संपन्न होती है, बारात चली जाती है, विदाई हो जाती है, सूरज और सूरज की भाभी और सूरज की पत्नी ममता, ये तीनों लोग वहां से इजाजत लेकर के अपने घर के लिए चलते हैं। घर जब चलते हैं
तो सूरज ममता से कहता है कि ममता अपने घर जाना चाहो तो तुम्हारा घर आने वाला है, आपकी स्टेशन है, आप उतर जाइए, हम तो आगे उतरेंगे। ममता जो होती है सूरज को पकड़ लेती है और फूट फूट करके रोने लगती है बच्चों की तरह। बोले अब इस जगह नहीं उतरना है, हमें उतरना है तो आपके यहाँ उतरना है, अब कदम उस घर में नहीं खींच रहे हैं, अब मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। तो सूरज अपनी पत्नी को लेकर के अपने घर आता है। घर आने के बाद अपनी नई तरीका से जिंदगी फिर से जीना शुरू करता है। दोस्तों कहते हैं कि अगर पति पत्नी में जरा सी बात पर अनबन हो जाती है तो समझाने वाला अगर है तो समझने के बाद सब काम समस्या सॉल्व हो सकती है, अगर दूरियां बढ़ाने से बढ़ सकती हैं। देखा होगा जरा जरा सी बात पर लड़का लड़की डिवोर्स ले लेते हैं, परेशानी होती है, घर बर्बाद हो जाते हैं। समझ आती है तो समझ निकल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने घर को देखो, अपने परिवार को देखो, माता पिता जो डिसीजन लेते हैं वो ठीक लेते हैं। और जहाँ तक लव मैरिज वाली शादियाँ होती हैं, लड़का लड़की खुद पसंदी से करते हैं, वो अधिकांश टूटती हैं, क्योंकि उनमें बनती नहीं है, थोड़े समय के बाद विभाजन हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कहानी शेयर करें। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी है तो देखिए, हम किसी को परेशान नहीं करते हैं, किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को टॉर्चर करना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।